हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन लाए हैं। यहाँ दिया गया है एक्स की पावर लॉग एक्स इक्वल टू 1000 एक्स स्क्वायर। हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों साइड लॉग लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लॉग एक्स की पावर लॉग एक्स इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा लॉग 1000 एक्स स्क्वायर। इसके आगे ये लॉग एक्स आगे आ जाएगा, हो जाएगा लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग 1000 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इसके आगे ये देखिए लॉग स्क्वायर में हो जाएगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये क्यूब हो जाएगा लॉग 10 का क्यूब प्लस, अब देखिए ये टू भी इधर आ जाएगा, हो जाएगा टू लॉग एक्स। इसके आगे हम लिख सकते हैं लॉग एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये थ्री इधर आएगा, थ्री लॉग 10 प्लस टू लॉग एक्स। अब देखिए इसका वैल्यू 1 होता है, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है। तो इसी तरह हम यहाँ पर लिख सकते हैं लॉग एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस टू लॉग एक्स। ठीक, अब इसके आगे हम मानते हैं, क्या मानते हैं कि लेट लॉग एक्स बराबर ए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 2 ए, ये इन दोनों को इधर लाते हैं तो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस 2 ए माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसका हम फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर जब करेंगे तो यहाँ पर 3 वन जा 3 3 रहेगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 3 ए प्लस ए माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर इसके आगे ए कॉमन लेंगे तो हो जाएगा ए माइनस 3 प्लस, इसमें से 1 कॉमन लेंगे हो जाएगा ए माइनस 3 इक्वल टू 0। इसके आगे ए माइनस 3 एक ब्रैकेट में ए माइनस 3, फिर अगले ब्रैकेट में ए प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके आगे हम करते क्या हैं, यहाँ लिखते हैं, देखिए ये दोनों 0 बराबर है, यानी कि ए माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ए बराबर 3, ए बराबर मानने थे लॉग एक्स इक्वल टू 3। तो यहाँ पर देखिए बेस टू 10 है, तो ये 10 के पावर क्यूब हो जाएगा, यानी कि एक्स बराबर 10 के पावर 3। ये एक फार्मूला है, ये क्या है, एक फार्मूला है। तो इसी तरह हम इसको भी सॉल्व करते हैं, यहाँ ए माइनस प्लस 1 बराबर 0 है, ए प्लस 1 बराबर 0, तो ए बराबर हो जाएगा माइनस 1, ए हमने माना था लॉग 10 सॉरी लॉग एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1। इसी तरह ये देखिए इसका बेस 10 है, तो ये पावर में हो जाएगा, यानी कि एक्स बराबर 10 के पावर माइनस 1 बराबर 0.1, इसका वैल्यू 0.1 के बराबर होता है। तो एक्स का वैल्यू हमें मिल गया 10 के पावर क्यूब है, यानी कि 1000, और इनवर्स है इसका आया था 0.1। यही हमारा राइट आंसर है।